हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सी फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं हलवा मच्छी का सालन। यानी कि फिर मतलब मच्छी का सालन मीठा होगा? हलवा मतलब हलवा नहीं होता है अभी, हलवा मतलब अपने लिए तो मीठा ही हो गया ना, हलवा बोले तो हाँ मीठा। हलवा मच्छी का नाम है। तो फिर मीठे पानी की मच्छी भी मीठी नहीं होती, हलवा मच्छी भी मीठी नहीं होती। मछुआरों लोगों से जाके पूछो ये नाम किसने रखा, क्यों रखे भाई नाम। चलो फिर कोई बात नहीं, अभी मच्छी है तो खाने में तो मजा ही आएगा, है कि नहीं? वैसे भी मैंने मेरे चैनल पे बहुत सारी मच्छी डाली हूँ, बांगड़ा मच्छी डाली हूँ, बोमिल मच्छी डाली हूँ, रेहू डाली हूँ, और हलवा भी इससे पहले डाली हूँ, बिरयानी भी बना के डाली मच्छी, समझ गए? और है ना झींगे की भी बिरयानी मैंने डाली हूँ, ठीक है? इतने अम्मी के बोलने का मतलब है हमने सी फूड की ना बहुत सारी रेसिपी डाली। हाँ। आपको किसी भी चीज की रेसिपी चाहिए तो आप रेसिपी टाइप करके आगे स्ट्रीट फूड जायका लिख देना, आपको मिल जाएगी। हाँ। ये बोलना चाहते हैं। हाँ। समझ गए। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे। आज अम्मी हलवा मच्छी का सालन बनाने के लिए क्या क्या लेंगे? चलो तो सबसे पहले लेंगे हम हलवा मच्छी, कोकोनट मिल्क, अदरक लहसुन, प्याज, कोकम, कोतमीर, पिसे हुए टमाटे, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची, इमली, एक प्याज। यहाँ लेंगे हम राई, जीरा, हल्दी, मिर्ची, धनिया, कश्मीरी लाल मिर्ची। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले मैं मसाला बना लूंगी। यहाँ पे मैंने मसाले में ली हूँ अदरक लहसुन, हरी मिर्ची, कोतमीर और एक प्याज। बड़े साइज की प्याज थी, मैंने इतना साइड में कर ली हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैंने इमली को अच्छे से दो तीन पानी से धो ली हूँ। इसको हम भिगा के रख देंगे थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि हमको लास्ट में इसका रस काम आए। और यहाँ पे मैंने तीन चार कोकम ली हूँ, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं भिगा रही हूँ, इसको पकने के टाइम मैं डाल दूंगी, क्योंकि आज मैं इमली डाल रही हूँ खटाई के लिए। क्योंकि बहुत से बच्चों कमेंट्स कर रहे थे कि आंटी कोकम हमारे पास नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, तो आप इमली भिगा के इस तरीके से डाल सकते हैं जिस तरीके से आज मैं बनाने वाली हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ये प्याज ली हूँ पीसने के लिए, दो से तीन हरी मिर्ची, जितना तेज आप खाते हैं उतनी ही लेना, ठीक है? अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पे मैंने लहसुन ली हूँ एक डल्ली पूरी डाल दूंगी, और यहाँ पे मैं दो इंच का अदरक का टुकड़ा ली हूँ, इसको भी कट करके डाल दूंगी। तो यहाँ अदरक कट करके डाल दी हूँ मैंने। अब डालेंगे हम कोतमीर। यहाँ पे कोतमीर आप डंडी के साथ डाल सकते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पे कट करके ली थी तो मैं वही डाल रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको बारीक पीस के लेके आती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मसाला अच्छे से पीस ली। ठसका क्या हो गया, मैं आवाज का गई? हरी मिर्ची के लिए खोलेंगे ना मिक्सर का डब्बा, बहुत जोर से ठसका लगता है। तो यहाँ पे हमारा मसाला हो गया रेडी, अभी हम गैस जला लेंगे। तो चलो हमने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे, अब हम डालेंगे तेल। चमक रही है कढ़ाई, चमक रही है। तो यहाँ पे तेल को थोड़ा सा मैं गरम होने देती हूँ। तो यहाँ पर तेल अच्छे से गरम हो गया है मेरा। यहाँ मैं डालूंगी एक चम्मच राई। अगर यहाँ पे आपके पास मेथी दाना है तो वो भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, अगर डालना चाहे तो। यहाँ पे डालूंगी मैं कड़ी पत्ता। मजा आ गया ना, उड़ा दो, बड़े साइज की प्याज है जो कि मैंने एकदम बारीक काट के ली हूँ, ठीक है? अब मैं इसको भी डाल दूंगी, इसको थोड़ा सा लाल कर लेंगे। तो प्याज हमारी यहाँ पे अच्छे से पक गई है, लाल हो गई है। प्याज को मैंने एकदम बारीक काटी थी ताकि ये मुंह में नहीं आए। मच्छी के सालन में ना प्याज जरा सा बारीक ही काटना, या तो एकदम पीस के लेना, लेकिन मैंने बारीक कट करके डाली थी। अब डालेंगे हम ये मसाले, अदरक लहसुन, हरी मिर्ची, कोतमीर और एक प्याज, ठीक है? अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तीन से चार मिनट तक अच्छे से मसाले को भून ली हूँ। प्याज और अदरक लहसुन हमारा अच्छे से भून गया है और तेल अलग हो गया है। अब डालेंगे हम इसमें हमारे सूखे मसाले। यहाँ मैं गैस थोड़ा सा स्लो करूँगी। अब डालेंगे हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच भर के डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्ची, एक चम्मच डालेंगे हम धनिया की बुक्की और आधा चम्मच डालेंगे हम जीरे की बुक्की, ठीक है? इसको अच्छे से एक 30-40 सेकंड जरा भून लेंगे। मसाले का कलर हमारा चेंज हो गया है, कश्मीरी लाल मिर्ची इसमें जाते साथ हमारे हरे से लाल हो गया है मसाला, है ना?
अब लाल मिर्ची की बुक्की यहाँ अगर आपको तेज और करना है तो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्ची पीसी हूँ, वो भी तेज वाली। इसके लिए मैंने सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्ची डाली हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एक अच्छे से इसका जो मसाले का है वो भून लेती हूँ। क्या मसाले का? मैं मसाले की जो खुशबू आने तक, अच्छा खुशबू बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तब जाके हम इसमें डालेंगे टमाटे, वो भी पीसे हुए टमाटे लेंगे हम। अच्छे गलने के लिए टाइम लगेगा, इसके लिए पीसे हुए टमाटे। यहाँ पे 3 टमाटे ली हूँ मैंने, अच्छे लाल वाले। अब हम इसमें डालेंगे, अगर आपके पास रेडीमेड पाउच है टमाटे का आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। टमाटो प्यूरी क्या बोलते हैं आप लोग? वही है ना, वही बोलते ना, हाँ। उसका भी आपको रेडीमेड पाउच मिलता है, वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं ये पूरे टमाटे का पानी सूखे तक भूनूंगी, क्योंकि टमाटे में भी जो कच्चापन है उसकी भी एक स्मेल रहती है जो हमारे सालन में आती है, तो इसके लिए उसको भी हम अच्छे से भून लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टमाटे हमारे अच्छे से पक गए हैं, तेल ऊपर आ गया है, टमाटे भून गए हैं। अब हम डालेंगे इसमें नमक। नमक मैं मेरे हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल देना, ठीक है। इसमें मैं ये 3 से 4 कोकम भी ऐसे ही छोड़ दूंगी, ठीक है। ये क्या होता है, खटाई है ना एक तरीके की? हाँ, खटाई है एक तरीके की। और है ना, बहुत से लोग है ना इसको चबा के भी खाते हैं, सालन में आता है तो बहुत पसंद आता है बहुत से लोगों को। मैं तो खा लेती हूँ चबा के, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अरे बहुत से लोग तो खाली सूखा खाते हैं बिना सालन के। हाँ, नमक डाल देंगे इसमें और नमक डाल के रख देंगे थोड़ा देर, फिर खाते बैठेंगे टाइम पास। अब हम इसमें डालेंगे ये हमारा कोकोनट मिल्क। ये गीला कोपरे का एक तरीके का दूध होता है, जो निकाला हुआ आता है पैकेट में पैक, और आप घर पे भी इसको निकाल सकते हैं गीला कोपरे को अच्छे से पीस के। अब मैं इसको 1-2 मिनट पकाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने कोकोनट मिल्क डाल के अच्छे से 2 मिनट पका ली हूँ। अब ये मोमेंट पे आके हमको जितना पतला जितना गाढ़ा रखना है वो हिसाब से आप पानी डाल दीजिए इसमें, ठीक है। और मच्छी का सालन तो ज़्यादा पतला ही अच्छा लगता है, पतला बोले तो मीडियम, एकदम गाढ़ा नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि मच्छी का सालन चावलों के साथ खाने मज़ा आता है। रोटी के साथ मुझे इतना मज़ा नहीं आता है, चावलों के अंदर डाल के मस्त पेट भर के खाया जाता है। तो फिर बनाएंगे क्या? नहीं चावल? हाँ बनाएंगे ना, चावल भी बना रहे। अब देखो मैंने यहाँ पे इतना पानी डाली हूँ, अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी और डालूंगी मैं। अब आपको जितना पतला करना है वो आपकी मर्जी, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने मस्त रखी हूँ जितना रस्सा मुझे चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे ये इमली, जो इमली मैंने भिगा के रखी थी ना उसको अच्छा चूर के उसका रस निकाल दी हूँ खटाई। तो अभी इमली तो सब जगह मिलती होगी, तो आप इस तरीके से इमली ऐड कर देना। मैंने पिछला जो कोकम का डाली थी ना सालन मच्छी का, तो उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे, आंटी आपने ये कोकम क्या डाल दिए, कोकम क्या डाल दिए, हमारे यहाँ कोकम नहीं मिलता है, अब हम क्या करें। तो अब मैंने ये इमली का पेस्ट डाल दी हूँ, ठीक है। अब हम इसको पकने देंगे, कम से कम इसको 5 मिनट तक अच्छा बॉयल आने देंगे, क्योंकि मच्छी डालने के बाद हम इसको ज़्यादा बॉयल नहीं आने दे सकते हैं, 5 से 7 मिनट तक ही पका सकते हैं, क्योंकि मच्छी हमारी जो इसमें चूरी हो जाएगी, क्योंकि वो मटन नहीं है, मच्छी एकदम सॉफ्ट होती है, ज़्यादा नहीं पका सकते, इसलिए हम पहले ही सालन को अच्छे से बॉईल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सालन मेरा अच्छे से 5 मिनट तक पक गया, अच्छे से बॉईल हो रहा था, देखे आप लोग। और यहाँ पे देखो आपको मैं शिरवा बताती हूँ, है ना, माशाल्लाह इतना शिरवा तो चाहिए ही। अभी इससे ज़्यादा गाढ़ा हो गया ना तो नहीं अच्छा लगेगा। अब क्या करेंगे, हम मच्छी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 700 ग्राम मच्छी ली हूँ, हलवा मच्छी, इसके पीस अच्छे वाले मैंने निकाल ली हूँ, बाकी हम फ्राई करके खा लिए। खाली मच्छी बोलो, हलवा नहीं? हाँ। और यहाँ पे ना मैंने मोटे मोटे पीस ली हूँ ताकि हमारे सालन में अच्छे से गले। तो यहाँ पे हम डाल देंगे। वैसे मैं तुमको सबसे ज्यादा कौन सी मच्छी अच्छी लगती? मुझे पापलेट, मेरे को दूधी का हलवा। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे आज फ्राई नहीं करी आंटी ने, हाँ तो मैंने आज बिल्कुल भी फ्राई नहीं करी हूँ, आज मैं कच्ची मच्छी का ही सालन बना रही हूँ। आप लोग भी इसी तरीके से बनाना, बहुत मजे के लगते हैं, ठीक है। आपको फ्राई करके बनाना है तो आप वैसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कच्ची मच्छी डाल रहे हैं
तो हमारा सालन अच्छा बनेगा नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरीके से भी सालन अच्छा ही बनेगा आपका, यानी कि कच्ची मच्छी का सालन। हाँ, ये बहुत मजे के बनते हैं और इसको हमको अभी एकदम संभाल के एक बार हिला लेना है, फिर हम इसको पकने रख देंगे 5 मिनट तक। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। 5 से 7 मिनट तक मैंने मच्छी डालने के बाद इसको पकने रखी थी, 1-2 मिनट फास्ट आंच पे रखी थी और 5 मिनट मैंने इसको मीडियम आंच पे रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देख लेते हैं। माशाल्लाह, मच्छी तो मेरी अच्छे से गल गई है, देख रहे आप लोग, मस्त। और एकदम सालन देखो, आपको बता दूं मैं, शिरवा मेरा कितना मस्त बना है ना। हाँ, मेरे को तो कोकम देख के अभी से मुंह में पानी आ रहा है, मैं थोड़ा चख लूं खट्टा बना या नहीं बराबर। आहा, मस्त। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी कोथमीर, ये थोड़ा सा हमको जान है हमारी। अब यहाँ पर मेरी हलवा मच्छी का सालन खट्टा वाला एकदम फर्स्ट क्लास तैयार हो गया है। मैं इसको ढक दूंगी और इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह से ढक के रख दूंगी, उसके बाद ही हम निकाल के खाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों तैयार हो गया अपने हलवा मच्छी का सालन। हाँ, कच्ची मच्छी का सालन। हाँ, ये देख भाई, मत। आज मैंने फ्राई करके नहीं डाली ना, तो बोलता कच्ची मच्छी का सालन बना रहे। मम्मी ने बोले आज हम कच्ची मच्छी का सालन बनाएंगे। मैं बोली हाँ, आज हम कच्ची मच्छी का सालन बनाएंगे। जो जिंदा मच्छी का सालन बनाते थे, फ्राई मच्छी का बिल्कुल नहीं बनाएंगे। यानी कि मम्मी ने इससे पहले भी जो मच्छी के सालन बनाया है उसमें फ्राई करने के बाद इसमें डाल दिए, आज बिना फ्राई करे इसमें डाल दिए। तो आज हमने लिए है चावल। मम्मी ये ऊपर का तेल बिल्कुल मत डालना। हाँ, देख रहे आप लोग, इसका यहाँ नहीं जमता। इसको तेल, अरे तेल डालते और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तरी वाला, तरी बोलते हैं। तेल है, बोलते तरी है, डाइट खराब हो रही है उसकी, देख रहे हैं। नहीं, डाइट की बात की, सच्ची में मेरे को ना खट करके लगता है गले में, ऐसा नहीं जमता है, पहले से नहीं जमता। एक नंबर। ओहो, मस्त खट्टा खट्टा रहेगा। इमली का सालन भी बोल सकते हैं। हाँ, और बहुत से लोगों को ये कोकम को लेके बहुत क्वेश्चंस रहते हैं, ये कोकम है क्या। हाँ, ये मेरे हिसाब से अभी अपने सब्सक्राइबर ही प्यारे सब्सक्राइबर लोग कमेंट्स में एक दूसरे को समझाते रहते हैं। हाँ, ये यहाँ नहीं मिलता, ये वहाँ मिलता। हाँ, है ये होता है, तो आधा काम हम लोग का भी इजी हो जाता है। तो लोगों को थैंक यू। हाँ, मेरे सब्सक्राइबर एक दूसरे को जवाब देते हैं बराबर, कोई सवाल। हम लोग खुद नहीं मानता, उन लोग से ही मालूम पड़ा कि ना ये शायद यहाँ के मतलब अपने इंडिया या फिर महाराष्ट्र के बाहर या कहीं तो है ऐसा कि ये नहीं मिलता। अभी अपने सब्सक्राइबर तो हर जगह। हाँ, बट ये कोकम हर जगह नहीं मिलता ऐसा, बाहर बाहर देशों में। हाँ, नहीं मिलता शायद से। तो आप इमली यूज कर सकते हो और इसका एक टेस्ट खटाई जैसा है, इमली जैसा ही आता है। हाँ, बचपन में हम लोग स्कूल के बाहर बिकता था ना, तो 1 रुपए का इतना था, कागज की पोटली में मिलता था, तो वहाँ पे भी लेके खा लेते थे। हम लोग को मालूम थोड़ी ये क्या है, ये खाओ अच्छा है, खाली खट्टा लगने से मतलब है, बस खाओ। हाँ अम्मी, अभी ये तुम्हारा काम है, आज काटे वाटे साइड कर दो। देख रहे हैं भाई, इसमें मच्छी में सालन ने ये काटे नहीं रहते ज्यादा। ठीक है, फिर मैं ये सालन चावल ही खिलाता हूँ तुमको। हाँ चलेगा, इसमें नहीं रहते ज्यादा काटे। देख, पूरा टुकड़ा निकला ना अच्छा वाला। अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ, थोड़ा सी ना मैं तुमको पहले, मगर है ना इसको ना मेरे को एक बच्चे के जैसा, छोटे बच्चे के जैसा ना, एक एक निवाले के लिए निकाल के देना पड़ता है। बिस्मिल्लाह, रोड पे जैसे खड्डे होते हैं ना वैसे अपने दांतों में है। अरे वाह, तो मस्त गल गई है एकदम। हाँ, बिना फ्राई किए भी आज गल गई। अरे मच्छी बहुत एकदम सॉफ्ट होती है, इसको जरूरी नहीं है कि ऐसा आप खाएंगे ना। सालन ये रहा, सालन ये मसाला भी ना बहुत मस्त है सालन का। चावल पे डालने के बाद ना मसाला ना सालन जैसा जो जम जाता है ना, उसको उठा के खाने में बड़ा मजा आता है। ले बाबा ये खातू। हाँ, हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम है, मच्छी ज्यादा नहीं बनती। ये रहा मच्छी का टुकड़ा और ये रहा मसाले वाले चावल। भरत के लेने कट्टा कट्टा सालन बने ला मस्त वाला। एक नंबर, एक नंबर निकला, मतलब सालन इसको बहुत ज्यादा पसंद आ गया है ना। घर में ना खाना खाने बैठेगा ना, या तो आवाज लगाएगा, मच्छी कौन साफ करके दे रहा भाभी। पहले कैसा ना, मेरी नाजिया बैठ जाती थी, पहले एक मच्छी उसको बिना साफ करे के खाने नहीं देती थी, उसके हर निवाले में बैठती थी। लेकिन अब है ना, नूर आवाज देती, लाओ रियाज में साफ करके देती हूँ करके, फिर वो भी साफ करके देती, मैं नहीं रहूंगी तो। वो थोड़ा कांटे वाला हिस्सा उनको मिल जाता ना खाने। वो कांटे चबाते बैठ जाती, वो जरा मच्छी की ना, मेरे घर में बिल्ली है उसको बहुत पसंद है, हमारे घर में मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन कैसे है ना, मेरे लड़कों को नहीं पसंद है, इसलिए ना मैं ज्यादा बनाती नहीं। मुझे बहुत पसंद है चिकन, मुझे देख। मेरे घर में ना जरा मच्छी कम ही खाते,
शुरू से, जैसे इसके बाप को भी मच्छी बहुत अब्बा, पसंद नहीं अब्बा। है। हाँ, अरे तो मेरे भी अब्बा थोड़ी ना है, मेरे अब्बा। हाँ, तो वो नहीं खाते ना मच्छी, तो इसी की वजह से ना शुरुआत से ही मेरे घर में थोड़ा मच्छी को लेके थोड़ा सा है, कम बनती है। उनको ना मच्छी की स्मेल नहीं जमती ज्यादा, मच्छी खाएंगे नहीं ज्यादा, वो खाएंगे ना पापलेट, और हलवा भी खाते पापलेट हलवा, और उनका फेवरेट है झींगा। घर में बिल्ली लोग को भी मच्छी नहीं चाहिए। हाँ, मेरे बिल्ली पालती बताओ मैं आप लोगों को, मेरे बिल्ली लोग को भी चिकन चाहिए। हाँ। उसमें भी रियाज है। लोग भी खाली चिकन दो भाई, मच्छी देखेंगे ना भाग जाते, नहीं चाहिए। कौन सी बिल्ली मच्छी देख के भागती बताओ, मेरे घर में बिल्ली लोग भी मच्छी ज्यादा नहीं खाते। लेकिन ये सालन बहुत ही अच्छा बना है, ऐसा सालन अगर आप लोग अपने घर पे बनाओगे तो आप लोगों को भी जरूर पसंद आएगा। समझ गए आप लोग, हमारे घर में मैं और नूर मच्छी खाने में बहुत मस्त फेवरेट। खाना तो मैं भी साफ करने की तकलीफ है। हाँ, ये खाता बहुत शौक से, लेकिन कैसा ना इसका एक ही मसला है, इसके बाजू में बैठे रहो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम से मेरा खाने में कुछ भी चीज में ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाऊं, नहीं खाऊं, अल्लाह का शुक्र है हर चीज हजम। ये बात है, और रहना भी चाहिए। जो लोगों को खाना नसीब नहीं होता है, जो बहुत ज्यादा, देखो कितने लोग तरसते हैं ये सब चीजें खाने के लिए, है ना, लेकिन अल्लाह ने हमको दिया है तो उसकी इज्जत करो, खाओ ना, मत करो उसको प्लेट आगे मत बढ़ाओ कि मैं ये नहीं खाता वो नहीं खाता, नहीं दोनी वाला तो भी उसमें से खा लो फिर उठ जाओ। है ना, मजा आ गया। अभी है ना आप लोग बोलेंगे कि ये हलवा मच्छी का सालन है, हलवा अभी हम लोग कहाँ से लाएंगे, तो ठीक है ना, हलवा जरूरी नहीं है कि ये मसाले में सिर्फ हलवा मच्छी ही आप डाल सकते हो, ऐसा नहीं है। आप इसमें कोई भी मच्छी लेके मसाला सेम मेरा रख के सालन बना सकते हैं, ठीक है। तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो, जो हमारे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी देखे सब्सक्राइब भी नहीं किया तो मच्छी के सालन को देख के सब्सक्राइब कर लो। जितने भी मच्छी लवर है, फिश लवर है, फिश करी जी जिसको पसंद है वो फटाक से हमारे वीडियो को लाइक कर, ठीक है। और भाई सब्सक्राइब भी करना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करो, लोगों तक पहुंचाओ ताकि लोग अपने घर पे देख के हमारी जैसी रेसिपी बना सके। और जो हमारे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो गाइस प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और जो पहले से सब्सक्राइब करके रखे ले उनको सबको शुक्रिया। हाँ, और जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, इंस्टाग्राम की आईडी है स्ट्रीट फूड जायका, मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है तो उसको ओपन करो और फॉलो करो। तो चलो चलते हैं, चलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना।